मूड तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। हमारी जहां भी सरकार है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उधर मैंने और खारगे जी ने चीफ मिनिस्टर्स को एक बात साफ बता दी है। शुरुआत में ही हम कह देते हैं, बघेल जी से 5 साल पहले चीफ मिनिस्टर बनने के एकदम बाद मैंने इनसे ये बात कही थी और मैंने कहा, देखिए जितना पैसा बीजेपी के लोग अरबपतियों को और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी को किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहनों के बैंक अकाउंट में डालना होगा। और मैंने कहा कि देखो कैसे डालोगे वो आपके ऊपर है, मगर हर रुपए की अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर वो अदानी को 1 रुपया दे तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के खाते में 1 रुपया जाना चाहिए। और ये मैंने सब चीफ मिनिस्टर से पहले दिन ही कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, ये लोग चलाते हैं। अदानी जी के जेब में पैसा जाता है, अदानी जी उसको अमेरिका में खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, कोई कंपनी खरीद लेते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार खत्म करते हैं। मगर किसान के जेब में पैसा जाता है, मजदूर के जेब में पैसा जाता है, माताएं बहनों के जेब में पैसा जाता है, वो उस पैसे को गांव में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जाके खर्च करते हैं। तो सीधा पैसा गांव में, शहरों में घूमता है और उससे अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। कर्नाटक में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए राहुल जी, मैं चाहता हूं कि महिलाओं को बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़े। तो अगर आप कभी कर्नाटक जाएं तो आपको दिखेगा कि जब आप बस में जाओगे, आपको दिखेगा कि कर्नाटक में महिला बस का टिकट नहीं खरीदती है, फ्री में बैठती है। तो हर प्रदेश में हम 2-3 ऐसी योजना लाते हैं जिससे सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाए। छत्तीसगढ़ में शुरुआत में हमने निर्णय ले लिया था कि किसान को धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल गारंटी करके मिलेगा। बड़े उद्योगपति कहते हैं, बड़े बड़े अफसर कहते हैं, ये आप पैसा जाया कर रहे हो, किसान को दे रहे हो, मजदूर को दे रहे हो, इससे पैसा जाया होता है, उनको कोई समझ नहीं है। जब हम किसान को, मजदूर को पैसा देते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, छत्तीसगढ़ अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो हमने कहा 2,500 रुपए गारंटी और हमने ही किया।
आज धान का रेट क्या है? आज 2800। और आप लिख लीजिए, अगली बार मिलेंगे तो लिख लीजिए, धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3200 रुपए मिलेगा। यह निर्णय ले लिया गया है, यह काम हो गया है। 5 साल पहले मैंने ऐसे ही स्टेट से आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसी स्टेट में या देश में किसान का कर्जा माफ नहीं किया। अरबपतियों का उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, अदानी जैसे लोगों का। हमने 2 घंटे के अंदर कैबिनेट मीटिंग बैठी, बघेल जी आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था पहला निर्णय, चीफ मिनिस्टर का पहला सिग्नेचर किसान के कर्जा माफी की फाइल पर जाएगा, और आपने अपना हस्ताक्षर उस फाइल पे किया और लाखों किसानों को फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ का फायदा हुआ। और मैं फिर से स्टेज से कह रहा हूं, आपको फिर से सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर से कर्जा माफ करना पड़ेगा। बात वहां नहीं रुकी, हम किसान न्याय योजना लाए, 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को फायदा मिला। तो आज छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे मजबूत किसान है। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर और हम धान काटने गए, मैंने वहां किसान से सवाल पूछा, आपके खेत का दाम क्या है? पहली बार मैंने देखा किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा, मैंने पूछा, भाई ये कैसे हो सकता है? पहली बार मैंने देखा है किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। किसान मुझे जवाब देता है, राहुल जी मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा, छत्तीसगढ़ की सरकार धान के लिए हमें 3,200 रुपए देने जा रही है, खेत कभी नहीं बिकेगा। आपने हमारा कर्जा माफ किया, पहले हम आत्महत्या की बात सोचते थे। उसी किसान ने मुझे बताया, राहुल जी सपने में भी मैंने नहीं सोचा कि मैं एक दिन गाड़ी खरीद लूंगा, राहुल जी मैंने गाड़ी खरीद ली। मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर किसानों को पैसा दिया जा रहा है तो मजदूरों को भी पैसा दिया जाएगा। और आप जानते हो कि जो हमने कहा है हमने करके दिखाया है। चुनाव के बाद माताएं बहनें आई हैं, सिलेंडर पर आपका 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और एक नई चीज निकाली है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पहली बार हिंदुस्तान में केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ में मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
जैसे कर्नाटक में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा महिलाएं बस में टिकट नहीं खरीदेंगी, फ्री में जाएंगी, वैसे छत्तीसगढ़ में हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, छत्तीसगढ़ में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अब आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी स्कूलों को प्राइवेटाइज करती जाती, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, अस्पतालों को, बड़े बड़े उद्योगों को प्राइवेटाइज करती, दूसरी तरफ हम सरकारी स्कूल बनाते हैं, खोलते हैं और उसमें आपको फ्री में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। सोचिए कितना पैसा बचेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का कितना पैसा बचेगा, आदिवासी भाइयों के लिए गारंटी करके 4,000 रुपए हर बोरी के लिए तेंदू पत्ता के लिए, और इस बार हमने 4,000 से 6,000 बढ़ा दिया है और 4,000 रुपए आदिवासियों को हर साल बोनस मिलेगा। अब देखिए, मैं आया, मैंने आपसे कहा किसानों का कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ हो गया। आपसे कहा था 2,500 रुपए की गारंटी है, आज कितना मिल रहा है? 2,800 मिल रहा है। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने 2,800 कर दिया और कुछ ही समय में वो 3,200 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा। तो ये हमारी गारंटी है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी, देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे छत्तीसगढ़ में जो भी वो करना चाहेंगे, किसानों की जो भी जमीन उनको चाहिए, जो भी खदान उनको चाहिए, जो भी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी कोयला की खदान उनको चाहिए, मोदी जी की गारंटी है अदानी जी को वो दे देंगे। और ये सिर्फ भाइयों में छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में है। जहां भी मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी जी अदानी जी की गारंटी करके चले जाते हैं, कहते हैं मेरी गारंटी है अदानी जी, जो भी आपको चाहिए नरेंद्र मोदी आपका मित्र आपके हवाले कर देगा, यह गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। चलिए गारंटी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, जिस दिन मैंने कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, देश के ओबीसी वर्ग को पता लगना चाहिए उनकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है और उनकी सरकार में कितनी भागीदारी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने नया भाषण देना शुरू कर दिया। नया भाषण, पहली बार मैंने सुना नरेंद्र मोदी जी का ऐसा भाषण। पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूं, याद है आपको? याद है, हर भाषण में नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी, नरेंद्र मोदी ओबीसी। मैंने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ गरीब है। जब ओबीसी को हक देने की बात आई,
जब जाति जनगणना की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। और जब चुनाव जीतने की बात आती है तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी को देश में भागीदारी नहीं देना चाहते। सीधी सी बात, आबादी कितनी है ओबीसी की कोई नहीं जानता। मैं आपको बताता हूं, कम से कम 50% इस देश का ओबीसी है, कम से कम। पता नहीं 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, नहीं जानता, मगर 50 से कम नहीं है। मतलब जब हम किसानों को पैसा देते हैं 50% ओबीसी को जा रहा है, जब हम मजदूर को पैसा देते हैं 50% ओबीसी को जा रहा है, जब हम कर्जा माफ करते हैं 50% ओबीसी को जा रहा है। मगर जब नरेंद्र मोदी जी 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, उसमें से एक रुपया ओबीसी को नहीं मिल रहा है। बात समझिए, किसानों का कर्जा माफ 50% ओबीसी को, बस में महिलाएं फ्री चलेंगी 50% ओबीसी, अरबपतियों का कर्जा माफ ओबीसी को कुछ नहीं, दलित को कुछ नहीं, आदिवासी को कुछ नहीं। और फिर आपसे कहते हैं ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो 50% ओबीसी किसान है, कर्जा माफ करो, गैस सिलेंडर 500 रुपए का करो, 50% ओबीसी है, फायदा होगा। आपने 1200 का कर रखा है, हमारे स्टेट में हम 500 कर देते हैं, यहां पे 500 रुपए की सब्सिडी मिल रही है आपको। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सवाल पूछा, मैंने वहां भाषण में कहा भैया एक बात बताओ, आबादी 50%, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं, पूरे बजट को बांटते हैं, छत्तीसगढ़ में पैसा आता है वो 90 अफसर निर्णय लेते हैं, तमिलनाडु में जाता है वो 90 अफसर लेते हैं, पैसा आपका है, जीएसटी में आपने दिया, यहीं से जाता है निर्णय, वो 90 लेते हैं। हिंदुस्तान शिक्षा में कितना पैसा डालेगी, वही 90 अफसर, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, 90 अफसर, देश की रक्षा में कितना जाएगा, 90 अफसर। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, नरेंद्र मोदी जी देश की आबादी 50% ओबीसी है, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? चुप हो गए, कहते इस देश में कोई जाति नहीं है। मैं बताता हूं आपको कितने हैं भाइयों और बहनों, 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं, आबादी आपके 50%, 90 में से आपके 3, और वो भी किसी कोने में बैठा रखे हैं, छोटे छोटे पोस्ट दे रखे हैं, सरकार के कोने में बैठे हुए हैं वो। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, आबादी आपकी 50%, और आप 5% निर्णय लेते हो, और नरेंद्र मोदी कहते हैं ओबीसी की सरकार चल रही है। कर्जा माफ करते हैं अरबपतियों का करते हैं, उसमें आपको एक आदमी नहीं है। आप 1200 रुपए का सिलेंडर,
बीमा योजना में आपके जेब से पैसा निकलता है, अरबपतियों के जेब में जाता है, उधर ओबीसी एक नहीं है। बीमा योजना का पूरा पैसा 16 कंपनियों को जाता है, दिखा दीजिए उसमें ओबीसी कौन है। मैनेजमेंट की लिस्ट दिखा दीजिए मुझे, उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा आपको। और 24 घंटा कहेंगे ओबीसी ओबीसी ओबीसी। 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हैं, हर रोज नए कपड़े पहनते हैं, ओबीसी शब्द को लेकर वो चुने गए। और अब जब समय आता है, ओबीसी को हक देने का समय आता है, तो कहते हैं भैया ओबीसी तो है ही नहीं, जात तो हिंदुस्तान में एक ही है, गरीब। ओबीसी तो है ही नहीं, ओबीसी है। और हम पता लगाएंगे कितना है, 10% है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, जितने हैं उतनी भागीदारी आपको मिलेगी। कर्जा माफ होगा तो किसानों का होगा, अरबपतियों का नहीं होगा। नरेंद्र मोदी करे ना करे, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, जाति का सर्वे यहां हो जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना, पहला सिग्नेचर जाति जनगणना पे होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा। भाइयों और बहनों, देश बदल जाएगा। जिस दिन इस देश के ओबीसी को, देश के दलित को, देश के आदिवासी को अपनी सच्ची आबादी पता लग गई, अपनी सच्ची शक्ति पता लग गई, उस दिन ये देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्रांतिकारी निर्णय है ये। आजादी के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय ये होगा। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए, आपके साथ मिलकर, कदम में कदम मिलाकर ये निर्णय लेने जा रही, कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती। अब यहां पे चुनाव है, याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, अरबपतियों का कर्जा माफ, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर, किसानों, किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं, बेरोजगार युवा, ये इनकी गारंटी है, अदानी की गारंटी। नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पीछे अदानी जी जैसे लोगों की शक्ति है, इसलिए उनका चेहरा 24 घंटा टीवी पे आता है। भाइयों और बहनों, ये जो टीवी है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, बेरोजगार युवाओं का नहीं है, हमारी माताओं बहनों का नहीं है। अगर इनका होता तो हमारे चेहरे इस टीवी पे 24 घंटे आपको दिखते, 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी का चेहरा आपको दिखता। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इसलिए दिखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अदानी की गारंटी है। तो यहां कांग्रेस पार्टी को जिताइए, कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मदद कीजिए, और जो आज तक हुआ है उससे भी ज्यादा आपके लिए कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। अच्छा, आप सब लोग, सबसे बड़ी चीज मैं बोलना भूल गया, मैंने कर्नाटक में महिलाओं को फ्री में बस टिकट की बात की, मगर छत्तीसगढ़ की बात नहीं बोली। 1500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में छत्तीसगढ़ की सरकार डालेगी, सॉरी 15,000 रुपए सालाना छत्तीसगढ़ की सरकार हर बैंक अकाउंट में डालेगी। फिर से दोहरा देता हूं, 15,000 रुपए हर साल
हर महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। धन्यवाद। जय हिंद।